स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राई स्क्वेयर। आज हम ट्राई स्क्वेयर के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है ट्राई स्क्वेयर की ब्लेड का जो हम साइज लेते हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ट्राई स्क्वेयर के किस किस हिस्से को हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। और तीसरी बात ये बताना है आपको, ब्लेड का मटेरियल और इसका जो स्टॉक है उसका मटेरियल आपको बताना है। तो यदि हम एक कंप्लीट रूप में बात करें तो ट्राइस्कर के मुख्यतः दो ही काम है। एक काम है किसी भी जॉब के 90 के एंगल को चेक करना कि उसकी दो भुजाएं हैं 90 एंगल में हैं या नहीं। दूसरा इसका मुख्य यूज है मार्किंग करना, लाइन खींचना। तो एक प्रकार से ये चेकिंग और मार्किंग टूल है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके पार्ट्स, कौन कौन से इसके पार्ट्स रहते हैं। ये है आपकी ब्लेड, जिसकी जो दोनों एज हैं ये एकदम स्ट्रेट रहती है। ये यदि स्ट्रेट नहीं रहेंगी तो आप जॉब का सही मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे, इसलिए इसकी जो दोनों एजें रहती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रखी जाती है। इसकी जो ब्लेड है स्टॉक के साथ में 90 के एंगल में फिट करी जाती है। जब इधर का इसका एंगल 90 का है तो इधर भी इसका एंगल 90 का है। ये हो गया आपका स्टॉक। एक पार्ट और है यहाँ पर जिसको आप कहते हैं रिज कहते हैं या फिर खांचा भी कह सकते हैं आप। पार्ट्स के बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। पार्ट के बाद बताया गया है कि ट्राइस्कर एक प्रकार का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो स्क्वायरनेस अर्थात 90 डिग्री के कोण को मापने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। एक्यूरेसी की बात करें तो प्रति 10 mm की लंबाई में 0.002 mm इसकी एक्यूरेसी होती है, जो कि वर्कशॉप पर्पस के हिसाब से पर्याप्त है। और पैरेलल एज वाली या फिर पैरेलल सरफेस वाली इसकी एक ब्लेड रहती है जो कि स्टॉक के साथ में कितने एंगल में रहती है फिट, 90 के एंगल में फिट रहती है। अब ज़्यादा कुछ बातें यहाँ पे दी नहीं गई हैं, सीधे सीधे यहाँ पे इसका यूज़ दिखा दिया गया है। तो फिगर नंबर 2 आप जो देख रहे हैं यहाँ पर बताया गया है स्क्वायरनेस को चेक आप कर सकते हैं, अर्थात दोनों भुजाओं के बीच का जो 90 का जो एंगल है उसको आप चेक कर सकते हैं। जो फिगर नंबर 3 आप देख रहे हैं इसमें आप जॉब की फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, जॉब फ्लैट है या नहीं या फिर वो ऐसा उसमें कहीं से गड्ढा या फिर कर्व तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए ट्राइस्कर का इस्तेमाल किया जाता है। मेथड वही है, जॉब के ऊपर ब्लेड को रखना है, उजाले की तरफ देखना है, उजाला यदि आ रहा है इसका मतलब है आपके जॉब 90 के एंगल में नहीं बना है या फिर उसकी सरफेस पैरेलल में नहीं है, फ्लैटनेस उसमें नहीं है। फिगर नंबर 4 में दिखाया गया है कि आप इसकी जो जॉब की ये भुजा है इसके पैरेलल में 90 डिग्री में लाइनें खींच सकते हैं, अर्थात फिगर नंबर 4 में जो चीज़ दिखाई गई वो है मार्किंग। और लास्ट यूज़ यहाँ पे दिखाया गया है वाइस में जॉब को एकदम लंबवत आपको फिट करना है, तो उसके लिए भी जो है ट्राइस्कर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हमारा जॉब एकदम लंबवत में नहीं रहेगा तो हमारी फाइलिंग स्ट्रेट कभी नहीं होगी, कभी अप हो जाएगी कभी डाउन हो जाएगी, ये इफ़ेक्ट पड़ता है फाइलिंग का। अब यहाँ पर जो कुछ बातें दी गई हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि ट्राइस्कर किस चीज़ से बनते हैं, हार्ड स्टील के बनाए जाते हैं, हार्डन स्टील। और इसका स्पेसिफिकेशन बताया गया है कि स्पेसिफिकेशन कहाँ से लिया जाता है, तो इसकी जो ब्लेड की लेंथ रहती है कि ब्लेड कितनी mm लंबाई की है उसी से उसका साइज लिया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि 100 mm, 150 mm और 200 mm।